एग्जाम हमने सारे के सारे पास किए बिना। सर आप देख रहे हैं जेजी न्यूज़। मौजूदा और वार्ड नंबर 29 के अंदर जैसे कि आप सभी जानते हैं उपचुनाव है, दो दिन पहले नॉमिनेशन भरा जा चुका है और भाजपा पार्टी की ओर से जो पहले नगर पार्षद थे ज्ञान देवी, उनका कुछ ही समय पहले निधन हो गया। लेकिन इस बार जो भाजपा पार्टी ने है टिकट दी है उन्हीं की पुत्रवधू अंजनी मेहता को दिया। तो आज हम अंजनी मेहता से मुलाकात करेंगे और जिनके द्वारा पहले विकास कार्य करवाए गए हैं वो जानेंगे। और अब नगर पार्षद अगर इनको सीट टिकट मिल चुकी है और आगे ये जीत हासिल करते तो क्या कार्य करवाएंगे। तो मैडम सबसे पहले तो जेजी न्यूज चैनल आपका स्वागत करता है। तो मैडम जैसे कि पहले आपकी सासू माँ नगर पार्षद थी तो क्या क्या कार्य आप करवाए गए थे? हमारी तरफ से पहले तो ये जो कचरा पॉइंट था मॉडल स्कूल के पास उसे साफ करवाया गया था बिल्कुल। उसके कारण आवारा पशु बहुत घूमते थे वहाँ पर और एक्सीडेंट हो जाते थे जी। तो उसे उठवाया गया पहले। तो उसके बाद हमारी एक लोग डी ब्लॉक इंद्रपुरी मजार गली नंबर 3 एकता पार्क इन सभी के गलियों का विकास हो चुका है। गलियाँ बन चुकी हैं, लाइटें भी लगवाई जा चुकी हैं और पानी की समस्या है उसे भी ठीक करवाया गया है। बहुत सारे काम रह हो चुके हैं लेकिन जो काम रह गए हैं हमारी माता जी का जो सपना था हमारा वार्ड बहुत सुंदर सुशील अच्छा बने और उसे पूरा करवाना चाहते हैं। और हमारी कुछ एक गलियां हैं जो रह गई हैं उसे हम पूरा करवाएंगे और लाइटों की पानी की थोड़ी बहुत समस्या है उसे हम पूरा करवाना है। तो आपने नॉमिनेशन भर दिया है, जनता की बात करूँ तो जनता की ओर से अब किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, किसकी लहर है? जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि हम बहुत विकास करवा चुके हैं और अच्छा है। लहर तो हमारी जैसे भारतीय जनता पार्टी बहुत ही काबिल पार्टी है, आप जानते हैं आज सत्ता में भी है जी। तो और जनता जानती है कि भी जो सत्ता में है वही काम कर रहा है। ने जो सबसे पहले इलेक्शन के समय एक सबसे बड़ी बात कही थी कि यहाँ पे जो मॉडल स्कूल के पास एक कचरा पॉइंट था जी। वहाँ पे एक बार आपको ध्यान हो एक बच्चे की दुखद मृत्यु भी हो गई थी ट्रैक्टर के नीचे आने से जी। क्योंकि वहाँ पे गंदगी होने के कारण मतलब काफ़ी फैल जाती थी गंदगी तो जगह कम रहती थी। सबसे पहला बात यही हुई थी कि उसको अपन ज़रूर वहाँ से हटवाएंगे और हमने सबसे बड़ा काम वही किया कि हमने उसको वहाँ से हटवा दिया। लेकिन मैं ये नहीं कहता हमने हटवा दिया, हमें वार्ड वासियों ने बहुत सहयोग किया, प्रशासन ने बहुत सहयोग किया उसमें हमारा। और उसके बाद हमने जैसे ए ब्लॉक की बात करी थी, कई सालों से वहाँ सड़कें नहीं बनी थी, आज टोटल ए ब्लॉक की सड़कें बन चुकी हैं, डी ब्लॉक की सड़कें बन चुकी हैं, सीएम के रोड आप अब जाकर देखो कितना खुला हो गया है। इसी टाइम में 22-23 फुट का था, आज वो 34 फुट के करीब बन चुका है और अब पूरी सफाई रहती है वहाँ। और मतलब मेरी कोशिश रहती थी कि मुझे अगर किसी का कोई भी किसी भी काम के लिए फ़ोन आ गया तो अपनी तरफ से मैं ज़रूर पहुंचता था और वो टाइम इतना होता था कि उससे डिस्टेंस कितनी दूर रहता था जी। उतनी देर में वहाँ पहुंचता था। फिर भी कुछ काम होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते हैं, वो रह जाते हैं और जब इलेक्शन का समय आता है तो वो कहीं ना कहीं उभर कर भी आते हैं जी, जी। मैं फिर भी मेरे वार्ड के लोगों से माफ़ी मांगूंगा जिनके मैं काम करने में असमर्थ रहा या कोशिश की नहीं हो पाए। तो आगे अगर हमें मेरे परिवार को मौका मिलता है, जैसे मेरी माता जी को उन्होंने इतना अच्छा मान सम्मान दिया था, तो ऐसा अगर मिलता है तो मैं फिर ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं जो मेरी माता के सपने रह गए हैं पूरे होने उनको हम पूरा करें। तो सर आपकी माता जी जो कार्य करवाने चाहते थे और नहीं हो पाए तो कौन सा ऐसा कार्य जो आप चुनाव के बाद जल्द करवाएंगे? देखिए ऐसा है, मेरे को मेरी मम्मा ने एक बात कही थी, अपने गलियाँ बनानी है ना तो सबसे पहले सारे वार्ड की बनाने के बाद अपनी में देखेंगे। तो मेरी खुद की गली अभी तक नहीं बनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं जैसे इंद्रपुरी मल्ला गली नंबर 3 रह गई है और एकता नगर का टेंडर पास हो चुका है, वो तो मेरी माता के टाइम में हो गया था, उसका सिर्फ अब काम होना पेंडिंग रह गया। टोटल एकता नगर की गलियां का टेंडर लग चुका था, पास हो चुका था, अब उसके बाद कमेटी में जाने का ना थोड़ा सा मेरे को मतलब एजिटेशन होने लगे, माता के साथ जाना और कहाँ अकेले जाना, उसके बाद मैं कमेटी जाने की हिम्मत नहीं हुई मेरी।
तो जाता था तो सिर्फ अपना साइड से जो काम थे वार्ड के किसी साथी के तो करा के आता था, हाउस में कभी नहीं गया मैं मेरी माता की मृत्यु के बाद। तो सर अब वार्ड के अंदर जैसे उपचुनाव है तो किसकी लहर है, किसके साथ आप अपनी टक्कर मानते हैं? देखिए टक्कर की जहाँ तक बात है हम तो ये कहेंगे हम जीतेंगे, जब वार्ड के हमने इतने काम किए हैं, और मैं तो ये कहता हूँ MC बन के नहीं, मैंने नौकर बन के काम किया है और मैं आगे भी ऐसा करूँगा, बाकी ये परमात्मा की इच्छा है, जो होगा हम जीतेंगे। तो सर जैसे कि गलियों के अंदर लाइटें वगैरह लगाई जा रही है, क्या आपके वार्ड के अंदर लाइटें वगैरह किस तरह की, और पानी की निकासी की बात करूँ तो वो किस तरह की है? देखिए मेरे वार्ड के अंदर पानी की निकासी की बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है वार्ड के अंदर, ठीक है। और जो मतलब मेन रोड है अनाज मंडी रोड है या तो वहाँ पर, तो देखो शहर के अंदर जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो ये समस्या आ जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है मेरे वार्ड में ये। तो सर आपके वार्ड के अंदर कौन कौन से ब्लॉक शामिल होते हैं और कौन सी कलोनियाँ आती हैं? मेरे वार्ड के अंदर सबसे पहले तो इंद्रपुरी मल्ला गली नंबर 2 से शुरू हो जाता है, 3 नंबर गली, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, एकता नगर, CMK रोड, अनाज मंडी रोड, ये सब मेरे वार्ड में आता है। तो सर आपने विकास कर रहे हैं जो लगातार जल्दी तेजी से करवाए हैं, क्या कारण मानते हैं? क्योंकि केंद्र के अंदर भी भाजपा की सरकार है और राज्य के अंदर भी है, तो ये भाजपा सरकार होने के कारण विकास कार्य तेजी से होते रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहोगे? नहीं देखिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक ही सोच रही है, वो रही है विकास की बिना भेदभाव के। मैं ये नहीं कहता कि मैं भारतीय जनता पार्टी का था इसलिए मेरे वार्ड में विकास हुआ, नहीं, सभी वार्डों में 31 वार्डों के अंदर सेम पैसा लगा है। अब कुछ के टेंडर हुए, कुछ के रह, क्योंकि ये तो एक प्रोसेस होता है, कागजी कार्रवाई का है, जो जल्दी हो गया वो जल्दी हो गया अभी, लेकिन काम हमने सारे के सारे पास किए थे बिना भेदभाव के जी। तो सर आप पहले भी आपकी परिवार है जो नगर पार्षद रहा है और भाजपा पार्टी ने दोबारा आपको टिकट दी है, तो जनता की बात करूँ जनता किस तरह से आपको सपोर्ट कर रही है? मैंने आपको जब ये बात करी जनता भी मुझे ये कहती है तूने नौकर बन के काम किया, अब इससे ज़्यादा तो कुछ रह ही नहीं जाता मेरे लिए, ये बड़ा मान सम्मान है। मैंने कभी भी मेरे को कोई कहता था ना MC साहब, मैं कहता था ना तो MC साहब मेरी मम्मी को कहो ना, मैं तो हूँ ही नहीं, ठीक है ना। तो मेरे को आप पहले भी गोलू कहते थे, मुझे आज भी गोलू कहो। मेरे वार्ड से मेरा एक प्यार एक और भी था कि मेरी मोबाइल रिचार्ज की दुकान है, तो मुझे कोई रात को भी अगर लेट नाइट भी फ़ोन करता ना गोलू रिचार्ज कर दे यार, तो मैं तैयार रहता था। तो ये स्वभाव भी मेरे लिए मतलब उनको पता था कैसा है। तो सर एक और आपसे हम सवाल करना चाहूँगी, नगर परिषद की कुर्सी के लिए लगातार विवाद होते आ रहे हैं और भाजपा पार्टी क्या ही पहले इसमें कैंडिडेट था नगर चेयरमैन की कुर्सी पर, तो उसके ऊपर अब भी विवाद हो रहे हैं, सर्वसमिति के द्वारा भी कहीं ना कहीं फैसला लिया गया था और जो कुर्सी के हाथ न लगने के कारण विवाद लगातार होते हैं और विकास कार्य कई वार्डों के रुके हुए हैं, तो आप क्या मानते हैं कहाँ कमी आ रही है या फिर कहीं पार्टियों के बीच में विवाद है इसके ऊपर? देखिए ऐसा है, अब पिछले तकरीबन 9 महीनों से तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन विवाद कुछ नहीं था। जब पार्टी हाईकमान का ऑर्डर आएगा जिसके नाम पर भी वो मोहर लगाएंगे तो उस पर ही मतलब सहमति हो जाएगी, तो अब बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं कि ये ऐसा होगा कि हमें नगर परिषद को एक पढ़ी लिखी चेयरपर्सन जरूर मिलेगी। तो आज हमने वार्ड नंबर 29 में जिस तरह से नगर पार्षद के चुनाव है और उपचुनाव में भाजपा पार्टी की ओर से अंजनी मेहता को टिकट मिली, आज इन्हीं से जानकारी ली। 27 दिसंबर को तो चुनाव है लेकिन 30 दिसंबर को गिनती है, अब देखना यह होगा कि वार्ड नंबर 29 के अंदर किसका चेहरा सामने आता है। तो इसी तरह देखते रहिए JG न्यूज़, 30 दिसंबर को हम वार्ड के अंदर फिर आएंगे और देखेंगे किसका चेहरा देखने को मिलता है।